गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का फलों के नाम नेम ऑफ फ्रूट्स ये पाठ पढ़ेंगे। उसके लिए आप सभी को पेज नंबर 24 निकालना है। निकाला सबने पेज नंबर 24। पाठ का नाम है फलों के नाम, नेम ऑफ फ्रूट्स। फलों के नाम, नेम ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स यानी फल, फल यानी फ्रूट्स। ओके, आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़े थे फ्रूट्स के नाम, जूनियर सीनियर में पढ़े थे आपने, प्री प्राइमरी में थे आप तब पढ़े थे आपने फ्रूट्स के नाम, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़े थे। यस, तो आपके फ्रूट्स के नाम सबको आते हैं। तो ये हिंदी के हमने लास्ट लेक्चर में पहले पढ़े थे, सबको आते हैं फ्रूट्स के नाम। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो पता है सबको, स्पेलिंग्स लर्न किए सबने। आज हम देखेंगे कि आपको स्पेलिंग्स आते हैं या नहीं, आपको स्पेलिंग्स और शब्द लर्न करना है। ओके, अभी हम देखेंगे। ओके, दिए गए शब्दों के में से सही फलों के नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ हमने ब्रैकेट में फलों के नाम दिए हैं, हमें उनको सही नाम को सही पिक्चर के नीचे लिखना है और राइट होगा। अगर आपने सही लिखा तो आपका राइट होगा। ओके, ये आपने लिखा, फर्स्ट पिक्चर क्या है, आम। क्या है आम? आम यानी मैंगो, आम यानी मैंगो। ओके, आम का रंग कौन सा है, आम का रंग कौन सा है, नारंगी, ऑरेंज कलर है। ओके, अभी आम का ही सीजन आ रहा है, अब सब सभी जगह हमें आम खाने को चाहिए तो मिल जाएंगे, आम का सीजन आ रहा है। यस, तो ये है आम, आम यानी मैंगो, आम यानी मैंगो। ओके, ये है आम, आम यानी मैंगो। ओके, ये क्या है बोलो जल्दी जल्दी, ये सबको आता है ना, ये कंप्लीट किया है ना सबने। यस, तो ये है अंगूर। क्या? अंगूर, अंगूर यानी ग्रेप्स, अंगूर यानी ग्रेप्स, अंगूर ग्रेप्स। अंगूर कैसे होते हैं पता है सबको? यस, देखिए खाते हो आप अंगूर, तो ये है अंगूर। अंगूर यानी क्या? ग्रेप्स, अंगूर ग्रेप्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चीकू, नेक्स्ट है चीकू। चीकू पता है सबको? यस, तो ये है चीकू। चीकू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैपोडिला, और चीकू भी बोलते हैं उसको, चीकू बोल सकते हैं या सैपोडिला। चीकू के अंदर कितने बीज होते हैं? 2 से 3 चीकू के अंदर काले रंग के बीज होते हैं। चीकू टेस्ट में कैसा होता है? मीठा होता है। तो ये हुआ चीकू। क्या? चीकू, इंग्लिश में भी चीकू भी बोलते हैं और सैपोडिला, चीकू को सैपोडिला भी बोलते हैं, चीकू सैपोडिला। आम मैंगो, अंगूर ग्रेप्स, चीकू सैपोडिला। वेरी गुड, मतलब सबको आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है खरबूज। क्या है? खरबूज। खरबूज यानी क्या? खरबूज यानी मस्कमेलन, खरबूज मस्कमेलन, खरबूज मस्कमेलन, ये है खरबूज। तरबूज होता है ये, वो क्या होता है? तरबूज यानी वाटरमेलन, खरबूज यानी मस्कमेलन, खरबूज मस्कमेलन, तरबूज वाटरमेलन। समझा सबको? नेक्स्ट, नेक्स्ट पिक्चर किसका है? व्हाट इज दिस, ये क्या है?
ये है संतरा। वेरी गुड, मतलब सबको आता है। ये है संतरा। संतरा यानी क्या? संतरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संतरा यानी ऑरेंज। संतरा यानी ऑरेंज। संतरा कैसे टेस्ट में होता है? मीठा और थोड़ा खट्टा। ओके, थोड़ा सा खट्टा होता है पर बहुत मीठा भी होता है संतरा। संतरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑरेंज। संतरा यानी ऑरेंज। संतरा ऑरेंज। संतरा ऑरेंज। इसका रंग भी ऑरेंज कलर का होता है और इसको संतरे को इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं। संतरा ऑरेंज। ओके, संतरा ऑरेंज। नेक्स्ट क्या है? ये है पपीता। क्या है ये? पपीता। पपीता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पपाया। पपीता पपाया। ये है पपीता। ओके, पपीते को इंग्लिश में पपाया कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है ये? ये है अनार। क्या है ये? अनार। अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनार को इंग्लिश में कहते हैं पोमोग्रेनेट। अनार पोमोग्रेनेट। अनार पोमोग्रेनेट। ये है अनार पोमोग्रेनेट। अनार के दाने खाते हो? अनार कौन से रंग का होता है? अनार लाल रंग का होता है और इसके इसके अंदर दाने होते हैं, वो भी लाल कलर के ही होते हैं, लाल रंग के होते हैं। ओके, अनार के दाने हमारे बॉडी के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके, अनार। अनार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट। आपको स्पेलिंग्स ठीक से लिखने आनी चाहिए, शब्द भी आपको ठीक लिखना आना चाहिए। रॉन्ग शब्द को रॉन्ग मिलेगा, काना मात्रा सब राइट होना चाहिए तो ही राइट मिलेगा, नहीं तो रॉन्ग मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है ये? व्हाट यू सी इन नेक्स्ट पिक्चर? व्हाट इज दिस? ये है अमरूद। क्या? अमरूद। ये है अमरूद। अमरूद खाते हो आप? खाया है अमरूद? यस। अमरूद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुआवा। अमरूद गुआवा। ये बहुत मीठा होता है। ओके, बाहर से हरा होता है, अंदर से थोड़ा सफेद होता है, इसके अंदर बीज होते हैं छोटे छोटे और ये बहुत मीठा होता है। ओके, अमरूद को इंग्लिश में कहते हैं ग्वावा। क्या कहते हैं? ग्वावा। अमरूद ग्वावा। ओके, नेक्स्ट। ये क्या है? अनन्नास। ये क्या है? अनन्नास। अनन्नास यानी पाइनएप्पल। अनन्नास यानी पाइनएप्पल। अनन्नास पाइनएप्पल। पाइनएप्पल कैसे होता है? खाया है सबने पाइनएप्पल? टेस्ट किया है? पाइनएप्पल टेस्ट में बहुत अच्छा होता है। ये बाहर से बहुत कड़क होता है, ये इसको हम नहीं खा सकते। इसके अंदर बहुत व्हाइट कलर का अनानास होता है, बाहर से ये बहुत कड़क होता है, ये कांटे होते हैं उसके, और बाहर से बहुत हार्ड होता है और अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है अनानास। अनानास को इंग्लिश में कहते हैं पाइन एप्पल। अभी एग्जाम में बहुत से लोगों ने अनानास रॉन्ग लिखा है। अनानास कैसे लिखते हैं? अ न फिर आधा न, और उस आधे न को पूरे न से ज्वाइन करना है और उसको आ की मात्रा, अनन्ना स, अ न स। ये न को इस न को ज्वाइन करना है और उसको आ की मात्रा देनी है, अनन्नास। ओके, समझा कैसे लिखा है अनन्नास? अनन्नास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाइनएप्पल। अनन्नास पाइनएप्पल। ओके, आम मैंगो। आम मैंगो।
अंगूर ग्रेप्स, अंगूर ग्रेप्स, चीकू चीकू सैपोडिला, चीकू चीकू सैपोडिला, खरबूज मस्कमेलन, खरबूज मस्कमेलन, संतरा ऑरेंज, संतरा ऑरेंज, पपीता पपाया, पपीता पपाया, पपीता पपाया, अनार पोमोग्रेनेट, अनार पोमोग्रेनेट, अमरूद ग्वावा, अमरूद ग्वावा, अनानास पाइनएप्पल, अनानास पाइनएप्पल। अभी सबको समझाइए किस फ्रूट को किस नाम से बुलाते हैं और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन सा रंग होता है, सबको मालूम पड़ा? आपको एग्जाम में ये आ सकता है, अभी हमारी एग्जाम है तब आपको ये एग्जाम में आएगा। तो आपको स्पेलिंग्स और शब्द, स्पेलिंग्स भी लिखने आनी चाहिए और शब्द भी आपको सही से लिखने आना चाहिए। ओके, अभी हम फलों के नाम लिखेंगे। तो आप सभी को अपने नोटबुक में फलों के नाम लिखने हैं। ओके, वर्कबुक भी आगे रखो और नोटबुक भी, वर्कबुक में से देख के नाम लिखेंगे और स्पेलिंग्स लिखेंगे। वर्कबुक में से नाम लिखेंगे देखेंगे और फिर उसके आगे हम स्पेलिंग लिखेंगे। फर्स्ट पिक्चर कौन सा है वर्कबुक में? फर्स्ट है आम। मेरे पास, मैं पेंसिल नहीं यूज कर रही हूँ, पेन से लिख रही हूँ, क्योंकि आप सबको पेंसिल से नहीं दिखेगा इसलिए पेन से लिख रही हूँ। सबको पेंसिल से अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, फर्स्ट पिक्चर है आम। अ अ को आ की मात्रा, आ आ म, आम। ओके, आम यानी क्या? मैंगो। स्पेलिंग्स बोलो, एम ए एन जी ओ, मैंगो। आम यानी मैंगो। सेकेंड पिक्चर क्या है? सेकेंड क्या है? अंगूर। अंग गू र, अंगूर। अंगूर यानी क्या? ग्रेप्स, जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स। अंगूर ग्रेप्स, जी आर ए पी एस, ग्रेप्स, अंगूर ग्रेप्स। थर्ड पिक्चर चीकू। ची च को ई की मात्रा, ची क, क को ऊ की मात्रा, चीकू। चीकू यानी क्या? चीकू को चीकू ही बोलते हैं, सी एच आई के डबल ओ, चीकू, सी एच आई के डबल ओ, चीकू, सी एच आई के डबल ओ, चीकू। और इसको सैपोडिला भी बोलते हैं, एस ए पी ओ डी आई डबल एल ए, सैपोडिला, चीकू सैपोडिला, चीकू सैपोडिला। नेक्स्ट क्या है? खरबूज। खरबूज यानी खरबूज, खरबूज यानी मस्कमेलन, एम यू एस के, मस्क मेलन, एम ई एल ओ एन, मस्क मेलन, एम यू एस के, मस्क एम ई एल ओ एन, मेलन मस्क मेलन, खरबूज। खरबूज के बाद क्या है? संतरा। सन स को अंक की मात्रा, सन त रा, संतरा। संतरा यानी क्या? संतरा ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, संतरा। नेक्स्ट क्या है? पपीता। प प को ई की मात्रा, पी ता, पपीता। पपीता यानी पपाया, पी ए
PAYA पपाया PAPAYA पपाया PAPAYA पपाया पपीता. ओके नेक्स्ट इज अनार. अ न को आ की मात्रा ना र अनार. अनार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोमोग्रेनेट. अनार पोमोग्रेनेट. पी ओ एम ई जी आर ए एन ए टी ई पोमोग्रेनेट. पी ओ एम ई जी आर ए एन ए टी ई पोमोग्रेनेट. पपाया अनार पोमोग्रेनेट. पपीता पपाया. अनार पोमोग्रेनेट. लास्ट सेकेंड लास्ट अमरूद. अ म रू द अमरूद. अमरूद यानी क्या? अमरूद यानी ग्वावा. जी यू ए वी ए ग्वावा. जी ओ जी यू ए वी ए जी यू ए वी ए ग्वावा. जी यू ए वी ए ग्वावा अमृत. ग्वावा अमृत. लास्ट अनानास. अ न ना स अनानास. अनानास यानी पाइनएप्पल. पी आई एन ई ए डबल पी एल ई पाइनएप्पल. P-I-N-E, pine, A-double-P-L-E, apple, pineapple. P-I-N-E, pine, A-double-P-L-E, apple, pineapple, ananas. Okay? Aam, mango. Angur, grapes. Chiku, chiku. Kharbuj, muskmelon. Santra, orange. Papita, papaya. Anar, pomegranate. Amrut, guava. अनानास पाइनएप्पल. समझा? आपको ये स्पेलिंग्स और नाम लर्न करने हैं और सबको लिखने आना चाहिए. ओके थैंक यू.